महाराज, महामंडलाधिकारिणी रानी पद्मावती प्रवेश कर रही हैं। आज जब हम आपका स्वागत कर रहे थे, सदा की भांति युद्ध से विजयी होकर आपके चेहरे पर वो विजय उल्लास नहीं था, और आपने हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैं आपकी प्रिय रानी हूं, आपकी पीड़ा मेरे लिए सर्वाधिक पीड़ा कारक है। आपका विषाद मुख देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं चली आई। बताइए स्वामी, क्या दुख है आपके मन में? मैं पराजित हो गया हूं पद्मावती, इस विजय का रूप विजय जैसा है ही नहीं। पराजित? और आप, सम्राट अशोक और पराजित? नहीं नहीं, सम्राट अशोक और पराजय ये दोनों विरोधी शब्द हैं। ये दोनों कभी एक जगह मिल ही नहीं सकते महाराज। परंतु आज पहली बार मिल रहे हैं। सूर्य और चंद्र में ग्रहण तो लगता ही है नारानी, फिर सम्राट अशोक पराजित क्यों नहीं हो सकते? राजधानी के राजमार्ग, गलियों और राजभवन के सैनिकों सभी के मुख पर कलिंग विजय की चर्चा है, और आप जो चर्चा कर रहे हैं वो विजय का अर्थ जानते ही नहीं। इस विजय ने पराजय से भी मेरा परिचय करा दिया है। इस युद्ध में जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसे कदापि विजय नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? आपके सैनिक विजय पताका फहराते हुए आ रहे हैं, वो लोग हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं। जम्बू द्वीप के दो तिहाई भाग के आप अधिपति बन चुके हैं, और चारों ओर राजघोष सुनाई दे रहा है, और आप अपने आप को पराजित अनुभव कर रहे हैं। संपूर्ण जगत के जय जयकार करने और विजय स्वीकार करने से विजय की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। विजय की सार्थकता सिद्ध होती है शत्रु की स्वीकृति से, और आज मेरे शत्रु ने मेरी विजय को स्वीकार नहीं किया। एक साधारण से सैनिक ने नकार दिया मेरी इस विजय को। मैं आपके शब्दों का अर्थ नहीं समझ पा रही महाराज। क्या करेंगी आप समझकर? मैंने समझा है तो मेरी दशा आप देख ही रही हैं। पराजय ने जन्म दिया है इन शब्दों को, इस पराजय ने मेरी आत्मा को मत दिया है। आपकी ऐसी मनोदशा मैंने पहले कभी नहीं देखी महाराज। शत्रु के एक घायल और साधारण सैनिक ने पहुंचाया है मुझे इस ग्लानिपूर्ण मनोदशा तक। आश्चर्य है, एक सूखे पत्ते ने एक वटवृक्ष को हिला दिया। सूखे पत्ते के साथ भी यदि झंझावत वेग और बवंडर हो तो यह संभव है। उस घायल सैनिक के साथ भी स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रबल वेग था। वो प्यासा था, तृष्णा से छटपटा रहा था, घायल था, मृत्यु ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। मैंने उसे जल तथा चिकित्सा दोनों उपलब्ध करवाने एवं उसकी जीवन की रक्षा का आश्वासन दिया, पर क्या महाराज? उसने मेरे सारे प्रलोभन तथा आश्वासन ठुकरा कर सहर्ष मृत्यु वर्ण करना स्वीकार किया, आत्मसमर्पण तथा मेरी विजय को स्वीकार नहीं किया। शत्रु के साधारण सैनिक के शब्द और उसके व्यवहार को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं सम्राट? वो साधारण अवश्य था, परंतु उसका व्यक्तित्व, उसकी गरिमा असाधारण थी। आप ही ने तो कहा था कि सम्राट अशोक जैसे पटवृक्ष को हिलाने वाला सूखा पत्ता साधारण नहीं हो सकता। उसका मृत शरीर युद्ध भूमि में पड़ा था, वो मर अवश्य गया, परंतु मेरे भीतर कुछ जीवित कर गया।